भारत में ब्रिटेन के हिंदू पीएम ऋषि सुनक की धमाकेदार एंट्री। सनातन विवाद के बीच भारत पधारे भारत के दामाद। पीएम ऋषि सुनक के आगे शर्मसार हुए सनातन विरोधी। खुद को हिंदू बताने वाले पीएम ऋषि सुनक अब क्या करेंगे? सनातन विरोधियों को कैसे सबक सिखाएंगे पीएम ऋषि सुनक? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजधानी दिल्ली का प्रगति मैदान में मौजूद भारत मंडपम में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें हिस्सा लेने पहुंचे शक्तिशाली देशों के ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष और पीएम मोदी द्वारा किया गया अतिथि सत्कार। जी हां, राजधानी दिल्ली की इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों से इस वक्त भारत गुलजार है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन हो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज हो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हो, सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान हो या फिर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन। जी हां, इस वक्त राजधानी दिल्ली G20 में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्षों का अड्डा बन चुकी है, जिसे आप महाशक्तियों का एक पावर हाउस भी कह सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त G20 की भव्यता सातवें आसमान पर है। और इन सब के बीच भारत पधारे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जो खुद को भारत का दामाद बताते हैं, खुलकर ये बोलते हैं कि एक हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। इस वक्त देखिए सबसे ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में है, वजह है सनातन विरोधियों पर भारी पड़ते ऋषि सुनक की यही हिंदुत्ववादी छवि। जी हाँ, हमारे देश में देखिए कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें सनातन धर्म में बीमारियां नजर आती हैं। सनातन की तुलना ये लोग डेंगू मलेरिया कोरोना से करते हैं, और इतना ही नहीं सनातन को जड़ से खत्म करने की भी बात करते हैं। नाम आप भी जानते हैं, करुणा निधि के पोते और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन। और इसी कड़ी में एक नाम ए राजा का भी जुड़ चुका है, जिनका ये कहना है कि सनातन की तुलना तो HIV एड्स और कुष्ठ जैसे बीमारियों से भी होनी चाहिए। और आज देखिए इन्हीं नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए भारत में रहकर ये लोग सनातन को जान नहीं सके, भारत में रहकर ये लोग सनातन की ताकत को समझ नहीं पाए, और भारत में रहकर ये लोग सनातन को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं। जबकि देखिए सात समंदर पार से आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि आई एम अ प्राउड हिंदू। I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakhis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important. And क्या आप जानते हैं कि विश्व पटल पर ब्रिटेन का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का सनातन संस्कृति से कितना ज्यादा लगाव है? इस बात का पता तब चलता है जब ऋषि सुनक के हाथ में कलावा नजर आता है, जब संसद में गीता पर हाथ रखकर वो शपथ लेते हैं, जब पुजारी के समक्ष ऋषि सुनक उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, जब हर हफ्ते ऋषि सुनक विघ्नहर्ता के आगे भगवान गणेश के आगे नतमस्तक होते हैं, जब गाय को गौ माता के रूप में पूजते हुए खुद अपने हाथों से चारा खिलाते हैं, और जब डंके की चोट पर खुलेआम ब्रिटेन में रहकर ये कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू मेरी पहचान है और हिंदू होने पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ब्रिटेन की सत्ता संभाल रहे यही हिंदू हर हफ्ते गुरुवार का व्रत भी रखता है, और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं की सास सुधा मूर्ति ने किया था। अब गौर करने वाली बात यह है कि देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आकर खुद को गौरवान्वित हिंदू बताते हैं, दुनिया को सनातन की खूबसूरती से जोड़ते हैं, और यहाँ के नेता खुद को सनातनी बताना तो छोड़िए उल्टा सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। बहरहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यही हिंदू यानी कि ऋषि सुनक ने क्या कुछ कहा, वो पीएम मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, जिससे प्रत्येक भारतीय को खुशी मिलती है उनकी सोच से, वो आप भी सुनिए। कंट्रीज
Can you tell us something about your equation with Prime Minister Modi? You have met him a couple of times now. Yes, and I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me, and we're working very hard, as I said, on our shared ambition of concluding an ambitious and comprehensive trade deal between India and the UK, because both of us think that would be a good thing, and both of us need to make sure it works for our two countries. And at forums like this, I'm very keen to support Prime Minister Modi in making sure that this G20 is an enormous success for India, which I know it will be, and this has been a great... तो देखिए, जो लोग सनातन को अपमानित अब तक करते आए हैं, जो लोग सनातन के खिलाफ जहर उगलते आए हैं, सनातन को बुरा भला बोलते आए हैं, और जो लोग सनातन को मिटाने की बात भी करते हैं खुलेआम, क्या आज उन्हें ब्रिटेन के इसी हिंदू प्रधानमंत्री से कुछ सीखने की जरूरत है? इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। The backdrop of a conflict, Ukraine and Russia conflict. So, do you think it will cast a shadow, and will it have an effect on the consensus building and the outcome? Well, first of all, thank you for the warm welcome. It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here, particularly with Akshita, and we've thoroughly enjoyed the first few hours of our trip so far. Now, when it comes to Ukraine and Russia and the conflict, one thing I will be doing is highlighting that the devastating impact that Russia's illegal invasion is having on millions of people around the world, particularly on food prices. Russia recently has pulled out of a grain deal that was shipping grain from Ukraine to many poor countries around the world. And now you've seen food prices go up. That's causing suffering for millions of people. It's not right. And one of the things I'll be doing is making people aware of that impact of Russia's illegal war. So do you think it will have an impact on, will cast a shadow on the consensus building? Do you think there'll be problems, the final outcome of G20? No, I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership. And I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this. And I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. How do you like the theme of One Family? I think it's a great theme. And actually, when you say one family, you know, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. You know, almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. So it's very special for me to be here as British Prime Minister, you know, in the country where my family are from. So can you give us some sense of a connect with India, like your roots here? Well, you know, obviously, you know, my wife is from here, from Bangalore. We got married in Bangalore. We used to spend lots of time together before we had children in Delhi, and we're trying to figure out if we can go to one of our old favorite restaurants this evening. But look, it's personally incredibly special for me to be back in India. It's a country I love dearly, a country where my family are from. But to come here in this role to represent the UK, to find ways to forge closer links with India and play a part in making sure that India has an incredibly successful G20. And I'm very proud to see India doing so well on the world stage.